लॉयंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी एकलव्य के द्वारा आज वर्धमान रोड में एक फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयंस सुरेश सिंगल ने दीपक जलाकर किया। प्रेसिडेंट ऑफ एकलव्य लॉयंस शंकर सुब्रो सान्याल ने इस आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस फ्री हेल्थ कैंप का मुख्य उद्देश्य सिलीगुड़ी वासियों को जोड़ों के दर्द से छुटकारा दिलाना है। इस कैंप में लोकमान्य हॉस्पिटल पुणे के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक डॉक्टर प्रतीक पाटिल व डॉक्टर कृष्णा जोशी ने मरीजों की जांच की तथा उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा नी रिप्लेसमेंट की जानकारी भी दी। लोकमान्य हॉस्पिटल ने 2016 में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की तकनीकी को लॉन्च किया और डॉक्टर नरेश वैद्य के मार्गदर्शन में 12,000 से ज्यादा नी रिप्लेसमेंट किया। इस हॉस्पिटल में 550 बेड की सुविधा है तथा यहां पर 20 से अधिक ऑर्थोपेडिक सर्जन दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। सर, हम आज के कैंप के बारे में जानना चाहते हैं, आज यहां पे क्या हुआ है सिलीगुड़ी में? पहले तो सभी सिलीगुड़ी के भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। हम सिलीगुड़ी लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी एकलव्य के तरफ से हम लोगों ने यहाँ पे एक पेन रिलीफ कैंप का आयोजन किया था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लायंस इंटरनेशनल MGF हॉल में। इसमें हम लोगों ने उन लोगों की स्कैनिंग की, स्क्रीनिंग की, जिसमें जिनको पेन है, जैसे आप मान लीजिए किसी को कमर का दर्द है, किसी को घुटने का दर्द है, किसी को स्पाइनल कॉर्ड में दर्द है। तो जब हमने यहाँ पे देखा, देयर आर अराउंड 70 पीपल हु केम डाउन, और ये सिर्फ 2 दिनों में हम लोगों ने अरेंज किया था। सिलीगुड़ी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। इन 70 लोगों में से हमने देखा अधिकतर लोगों का नॉर्मल है, जिसको ट्रीटमेंट के जरिए किया जा सकता है सिलीगुड़ी में ही, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका नी रिप्लेसमेंट करने की जरूरत है। और ये जो लोग हैं, इनको लोकमान्य हॉस्पिटल्स जो पुणे में स्थित है उनके वहां पे हम लोग सब्सिडाइज रेट में हम लोग कोशिश करेंगे कि इनका ट्रीटमेंट हो जाए। हमारे साथ है डॉक्टर जोशी यहाँ पे। अभी हमारे इस टीम के साथ हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आगे भी एवरी 3 मंथ्स हर क्वार्टर में हम लोग यहाँ पे छोटी छोटी कैंप्स करवाए, जिसके जरिए लोगों को जागरूक किया जाए कि उनके प्रॉब्लम्स के बारे में। थैंक यू सर।